आपको एक बहुत ही आसान एप्लीकेटिव रूल बताऊंगा जिससे आपकी इंग्लिश की जो नॉलेज है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ जो अपने जहन में नॉलेज आप रखे हैं उसे औरों को दिखाना है, दैट्स इट, और आप इंप्रूव हो जाएंगे। तो द लेसन इज वेरी सिंपल, द टैक्टिक द टेक्निक इज वेरी सिंपल, वो ये है कि आपको हर एक दिन सिर्फ एक सेंटेंस इंग्लिश में जरूर बोलना चाहिए। जैसे आप हिंदी में बात करते हैं, मैं उसके साथ गया, इट वॉज नॉट रेडी, तो मैं वापस आ गया, इट वॉज नॉट रेडी। ऐसा प्रैक्टिस कीजिए, आप 4 बार 15 बार प्रैक्टिस करके आपको पता है कि आपके दोस्त आने वाला है और वो पूछेगा कि क्या वो रेडी था या नहीं था, तो आप बोलेंगे अरे यार मैं वहां पे गया था, इट वॉज नॉट रेडी, तो मैं वापस आ गया, चल और एक बार जाएंगे। तो आपको 4 सेंटेंसेस के बीच में सिर्फ एक सेंटेंस विथ कॉन्फिडेंस अच्छी तरह से 4 लोगों के बीच में यूज करना चाहिए। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अगर आप ये एक स्मॉल ट्रिक यूज करेंगे हर दिन, संडे हो या मंडे, हॉलिडे हो या जो भी हो, हर दिन आपको एक ही काम करना है और वो है एक सेंटेंस बिना कोई मिस्टेक, बिना कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बिना कोई फियर आपको यूज करना चाहिए। अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप प्रैक्टिस करके ये सेंटेंस यूज करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं 6 महीने ऐसा कीजिए, आप 6 महीने 4 लोगों के बीच में एक सेंटेंस प्रैक्टिस करके पेश कीजिए। जैसे मैं आपको बोलूंगा, देखिए आपको ये काम जरूर करना होगा, एवरी डे यू शुड डू इट, भूल ना जाइएगा। अगर मैं ऐसा बोलूंगा ना तो आप सोचेंगे अरे ये कैजुअली इन्होंने बोला। बहुत लोग ऐसा आते हैं जो बोलते हैं मुझसे कि मेरे घर में हर बच्चा इंग्लिश में अच्छी तरह से बात करता है और मैं तो बहुत झिझक महसूस कर रहा हूँ, तो मैं ये ट्रिक से उनको सिखाता हूँ, उनको ये सिर्फ एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ कि जब आप लोगों के बीच में बैठे हैं, मैच देख रहे हैं, तो आप बोलिए अगर अरे मुझे इसके ऊपर कुछ उम्मीद नहीं है, ही इज अ फेलियर, वो कुछ नहीं करेगा, तो लोगों को आपके साथ बैठ के आपकी आवाज से एक अच्छा सेंटेंस सुनने का जब सबब आ जाएगा, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि उनको लगेगा कि आप इंग्लिश में बेहतर हैं, उनको ये महसूस होगा कि अरे ये तो इंग्लिश जानते हैं। और धीरे धीरे 6 महीने सिर्फ एक सेंटेंस आप यूज कीजिए, 6 महीने के बाद एक पारा यूज कीजिए। देखिए जैसे आपको बोलना है अरे मैं वहां पे गया था, बहुत बार उसको बोला कि ये करो, उसने नहीं किया, आई वॉज डिसअपॉइंटेड, आई डिसाइडेड नॉट टू टेल हिम अगेन, आई केम होम, ऐसा बोलिए। 6 महीने के बाद 3-3 सेंटेंस जोड़िए। जब आप कोई सीरियल देख रहे हैं तो बोलिए अरे ये तो मैंने कल भी देखा था, यही एपिसोड कैरी कर रहे हैं, दिस इज नॉट डन, दिस इज सो बोरिंग, आई डोंट वॉन्ट टू सी दिस, चलो बंद करो, कोई और चैनल लगाओ। जब आप ऐसे बोलेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ जरूर मैं इंग्लिश बात कर सकता हूं, और आपको सारा समुंदर एक ही दिन में पार नहीं करना चाहिए, आप 50 पूरी एक दिन में खा सकते हैं क्या? मगर आप जरूर 50 पूरी 2 महीने में खा सकते हैं। तो ये काम कीजिए आप, और आप मुझे थैंक यू जरूर बोलेंगे 1 साल के बाद 2 साल के बाद, सिर्फ इस एक रूल की वजह से आप बोलेंगे अरे सर आपने क्या चमत्कार कर दिया, मैं अभी बेहतर बोल रहा हूँ। नमस्कार, आप ये वीडियोस देखिए और मुफ्त में हिंदी से इंग्लिश आसानी से सीखिए। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।